हमारी बात उनसे चल रही है, वी आर एक्सप्लोरिंग के जो है कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है, हमारे उनके फायदे की बात हो, वो फायदे की तो इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो एक दो दिन में वो फाइनल हो जाएगा, उम्मीद रखते हैं फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। क्या इसमें सच्चाई है सर कि आम आदमी पार्टी 4 से 5 सीटों पे तैयार नहीं है और वो 10 सीटें मांग रही है? मैं नंबर गेम में कोई जवाब नहीं दूंगा, ये चीजें जो हैं वो हमारी 1-to-1 बातचीत की है, मैं मीडिया में वो नहीं ले जाना चाहता, वो एक स्पेकुलेशन वाली बात बन जाती है, मगर मैंने जैसे पहले ही कहा कि जहां हमारी और इनकी दोनों की एक विन विन सिचुएशन बनती है वहां हम वो बात को ले जाएंगे। क्या इतना मैं आपको कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, इट विल बी वेरी स्मॉल नंबर, सिंगल डिजिट। सर के बाद भी कोई मुलाकात आम आदमी पार्टी के नेताओं से होनी है क्या, राहुल जी की वो मैं नहीं कह सकता, एक क्लोज हमारा जो है कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा, संवाद चलता रहेगा और जो है जो कुछ भी बीजेपी को हराने के लिए फील्ड पे हमको करना चाहिए साथ में मिलके वो हम करेंगे। सर दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ने सर सब चीजें क्लियर हैं, अगर आप ये बता पाए कि वो दोनों कंफर्म कर चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए या आप लोग अभी उनके लिए कोई और बेहतर विकल्प ढूंढ रहे हैं? वेणुगोपाल जी की उनके साथ क्या चर्चा हुई उसका मुझसे अभी अंदाज नहीं है, मगर जो कुछ भी सॉल्यूशन होगा वो बेहतर और सबको स्वीकार है, यानी कि उनको भी स्वीकार है, अच्छा लगे और अल्टीमेटली द गोल इज के बीजेपी को हराना है, तो इसी प्रकार का सॉल्यूशन ढूंढने का हमारा प्रयास रहेगा। यानी वो चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी से? देखो संभव बनता है तो लड़ेंगे। सर कोई पर्टिकुलर मेरी नॉलेज में नहीं है क्योंकि वो नेगोशिएशंस इट इज हेल्ड एट द वेणुगोपाल जी लेवल, उन्होंने क्या ऑफर किया नहीं किया, प्रदेश के लीडरों से भी सब कुछ बात करके किया होगा और दैट इज समथिंग, इट इज नॉट अ मीडिया का डिबेट वाला मामला नहीं है। सर क्या अलायंस के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही शामिल है या समाजवादी पार्टी या कोई अन्य दल भी आप लोगों से कोई बात कर रहा है या बातचीत में? अभी जो बात हो रही है आम आदमी पार्टी से हो रही है, अन्य दलों ने भी जो एक दो दल हैं इन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है, उसके बारे में हम कल या परसों रिस्पोंड करेंगे। कौन कौन है अन्य दल? CPIM भी है और समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी कितना उम्मीद कर रही है? वेरी वेरी स्मॉल नंबर, कोई बड़ा नंबर कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, दे वॉन्ट टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट इन द स्टेट, देखते हैं उनका भी जो है समाधान मन का समाधान हो, इसको स्वीकार्य बने, ऐसी कोई सीट हम दे सकते तो जरूर से लड़ेंगे, हम भी तलाश रहे कि ऐसी कोई सीट हो जहां उन लोगों को भी कन्वीनियंट हो, ठीक सो तक आ जानी चाहिए। सर आप लोगों ने सब कमेटी भी बनाई है जो स्टेट लीडर से मुलाकात करेगी कल, उस पर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालना चाहें कि क्या इसमें रहने वाला है और क्योंकि कुमारी शैलजा भी पहुंचेंगी तो क्या इस पर भी चर्चा होगी कि वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, क्या इस तरीके की कोई बातचीत है? अगर आप ब्रीफ में थोड़ा बता देंगे तो जो उसमें जो मेंबर हैं वो माकन साहब हैं, माइसेल्फ आई एम देयर और साथ में मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, बाबा सिंह देव हैं और हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के जो और 4 सदस्य हैं वो हैं, AICC के नवनियुक्त 2 सेक्रेटरीज भी हैं, तो बाकी कौन लिए मुझको नहीं पता है। सर जो आप लोग फाइनल लिस्ट करने वाले हैं हो जाए आ जाना चाहिए, सब एक साथ आएंगे या अलग अलग? एक साथ ही आएंगे। और सर एक चीज और ये भी चल रही है कि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं या मुकदमा है, राहुल जी ने भी इस बात का जिक्र किया था CEC की मीटिंग के अंदर, उन पर क्या आप लोग चर्चा आप लोगों ने 1-to-1 ईच केस विल बी रिव्यूड 1-to-1, एक एक केस को 1-to-1 मैरिट्स पे डिसाइड करेंगे।